गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम आपको पीएच के बारे में बताएंगे, जिसको कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को एच प्लस से डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं कि सांद्रता को का ऋणात्मक लघुगणक, लघुगणक को लॉगरिथम्स कहा जाता है, इसलिए ऋणात्मक लघुगणक को कहेंगे माइनस लॉग, पीएच कहलाता है। तो इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। इस तरह से पीएच के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सोरेनसन वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने एक टर्म दिया रसायन विज्ञान में पीएच। पीएच क्या है परिभाषा? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। अब दूसरी चीज पीएच स्केल, इस पर भी सवाल पूछा जाता है पीएच स्केल क्या है। तो स्केल का मतलब होता है पटरी, जो आप लाइन खींचते हैं स्केल उसको कहते हैं, स्केल पैमाना। इसको पीएच स्केल में 0 से 14 तक निशान होते हैं। आप लोग जो स्केल यूज करते हैं उसमें 0 से 15 तक होते हैं, सेंटीमीटर के निशान होते हैं, लंबाई हम नापते हैं। और इस स्केल द्वारा हम क्या नापते हैं? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या उसकी अम्लता और क्षारता नापते हैं। तो पीएच स्केल में 0 से 14 तक का मान होता है, पीएच स्केल में 7 से कम मान अगर है तो अम्लीय विलयन माना जाएगा, और 7 से अधिक मान है तो क्षारीय होता है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, तो हम इस स्केल की मदद से देख सकते हैं कि वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। उदासीन विलयन जो होगा, जो अम्लीय ना होगा ना क्षारीय होगा, उसका मान होता है 7 होता है। तो यहाँ हम देखते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 तक ये अम्लीय है, 7 से 0 तक अम्लीयता बढ़ती है, किसी विलयन की अम्लीयता बढ़ती है, प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है। और 7 पे उदासीन होगा, उदासीन के बाद में 8 9 10 11 12 13 और 14 तक क्षारीयता बढ़ती है, अम्लीयता घटती है एक तरह से। तो ये होता है क्षारीय विलयन। अगर किसी विलयन का हमको पता है कि उसका पीएच मान 7.4 है, जैसे मानव रक्त का, तो 7.4 का मतलब हुआ 7 और 8 के बीच में आएगा तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। लेकिन अगर 6 और 7 के बीच में है तो ये अम्लीय होगा, 1 होगा तो अम्लीय होगा, जितना इधर आएगा वो अम्लीय होगा। जैसे जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है, 1.5 मतलब यहाँ पे आएगा, तो जठर रस बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। तो इस तरह से हम किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को, उसकी कितनी तीव्रता है, उसको पीएच स्केल की मदद से समझ सकते हैं कि उसकी कितनी अम्लीयता है या क्षारीयता है। तो इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीएच स्केल क्या है, पीएच क्या है, पीएच किसे कहते हैं, और इसका आसुत जल का पीएच कितना होता है, जठर रस या मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, वो आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया हो पीएच के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए।